की जय सैनिक राष्ट्र। आज हम श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन्स में, यहाँ पर कन्नड़ में लिखिए श्री चामराजेंद्र मृगालय, यानी कर्नाटक स्टेट में, कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट में। बहुत बढ़िया जू है, सभी देशवासियों यहाँ पर आइए और पक्का देखिए, बहुत बढ़िया है। और मेरा मध्य प्रदेश की आर्टिस्ट ललित नागर, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो मैं आ चुका हूं कर्नाटक के अंदर, और आर्मी रवि सर जो कि मॉडर्न भगत सिंह के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने मैं मेरा भाई के साथ दोनों हम यहां पर आए हैं कर्नाटक के अंदर मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सर ने हमें बहुत भारी बड़ी फेमस जगहों पर घुमाया है, और साथ ही आज हमें लेकर आए हैं जू के अंदर। पहली बार हम जू में आए हैं दोस्तों, बहुत बड़े बड़े जानवर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आर्मी रवि सर, आप इनसे मिलिए। जय हिंद, जय सैनिक राष्ट्र। मेरा फ्रेंड मध्य प्रदेश के आर्टिस्ट, इन्होंने बहुत बढ़िया चित्र वगैरह निकला है, और इन्होंने अपना स्टेट में आर्ट स्कूल कॉलेज में भी चित्र निकाला है, बहुत बढ़िया किया। और इसके लिए साथ साथ मैंने मैसूर में जू वगैरह में लेकर आया। जरूर देशवासियों, पूरे कर्नाटक की मैसूर जू में पक्का आना चाहिए, आप लोग आके देखिए, बहुत बढ़िया सुंदरता है, ऐसे बहुत बढ़िया बनाया। और इन्होंने यहाँ पर पूरे जितना देखने में सुंदर लगा नहीं लगा, बहुत मस्त। सर एक बार सर आप यहाँ की कन्नड़ भाषा में आप उनको परिचय दीजिए। सो ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಅದು ಮೈಸೂರು ಜೂನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಸೈನಿಕ. Oh my god. Wow. ये कांच के अंदर पैक है, लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हकीकत में यहाँ पर हाथी शेर देखने को मिल रहा है, बहुत ही मस्त ज़ेब्रा एंड डियर बियर एंड गेंडा। आज मैं आया हूँ मैसूर के जू में, और आप देख सकते हो चिंपांजी। इधर इधर कैमरा लेके आओ, रियली आप देख सकते हो चिंपांजी, ये ओ माय गॉड। Hey Viraj, देख सकते हो चिंपांजी इधर को सुनो।
वाओ एलिफेंट। वाओ नहीं, एक के अलावा और भी होगा, अपन को सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है। उधर पत्थरों के पीछे छुपा होगा और भी हाथी। दोस्तों ये देख सकते हो आप, जंगली भैंसा। हमारे गांव में भी भैंस है लेकिन इस तरह की भैंस हमने पहली बार देखी है। आप देख सकते हो यहाँ पर भैंसों का झुंड है। दोस्तों आप देख सकते हो ये जो दिख रहा है पानी में तैर रहा है, ये है गेंडा। बहुत खतरनाक है दोस्तों, बहुत बड़ा है। Oh my God, Asgar, Ajgar. Something 15 feet long ice snake. Oh my gosh. Oh my god. अजगर का बाप है ये, कितना मोटा सांप। ओहो दोस्तों आप देख सकते हो गेंडा बहुत बड़ा। जानी में जैसे दिखने वाला बहुत बड़ा है। ये तो मरिया पड़े जाने। गॉड कितना बड़ा जिराव ये, इसकी गर्दन दो मस्जिद से भी ऊंची लग रही है। You've hit your fury.
वीडियो में हमने आपको बहुत सारे जानवर बताए हैं और कैसा आपको जानवर बहुत अच्छा लगा वो एक बार वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप देख सकते हो पीछे जिराफ, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द जू एंड दिस इज द एग्जिट गेट, सी दिस।